हो आप? वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और इसीलिए मैं अपने भक्त से द्वंद कर उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। किसी को मेरी आवश्यकता है, मुझे जाना होगा। आपके दर्शन पाकर प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु अभी देखा, क्या वो सत्य था या फिर मेरा भ्रम? ये काना कहाँ चला गया? अभी तो यही था। तो मैं भी नीचे आया हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। नहीं यक्ष कुमार, तुमने हर बार की बात ही इस बार भी हमारी बहुत सहायता की है। वो सब तो ठीक है काना, किंतु अब हम क्या करें? मुझे नेत्रासुर की बात माननी होगी दाऊ। अपने मित्रों को बचाने के लिए मुझे नेत्रासुर के समक्ष जाना ही होगा। नहीं नहीं काना, ऐसा मत करना। यदि अगर तुमने समर्पण किया तो फिर वो नेत्रासुर तुम्हें भी भस्म कर देगा। जानता हूँ दाऊ, किंतु मेरे मित्रों के प्राण मुझे मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। दाऊ को भी एक कार्य करना होगा। अच्छा, तो कृष्णा ने मुझे मारने के लिए तुझे भेजा है? नहीं नहीं नेत्रासुर, मैं तुमसे द्वंद करने नहीं आया हूँ, मैं तो आज तुमसे मित्रता करने आया हूँ। कृष्णा का भाई होकर मुझसे मित्रता? मैं तेरे छल में नहीं आने वाला बालक। ये कोई छल नहीं है नेत्रासुर, मैं तो स्वयं से दंड देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके कारण सदैव मुझे लज्जित होना पड़ता है। सभी कार्य मैं करता हूँ और वो बस बैठे बैठे मुर्गी बजाता है या फिर माखन खाता है। इसीलिए चुपचाप तुम्हारे पास आया हूँ मैं, ताकि मैं तुम्हें काना का पता बता दूं। किंतु इससे पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। कहीं ये कोई छल तो नहीं बालक? मैंने सुना था कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और यही सोचकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आया था, किंतु तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। क्या करना होगा मुझे? मैं तुम्हें कृष्ण का पता तो बता दूंगा, किंतु मैं पहले मेरे मित्रों को उनके वास्तविक रूप में लाना होगा। ठीक है, किंतु स्मरण रहे, यदि इसमें तनिक भी छल हुआ तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे मित्रों को मार डालूंगा। ठीक है नेत्रासुर, जैसा तुम कहो। बालक, तुम्हारे मित्र पूर्ववत हो चुके हैं, अब बताओ कहाँ मिलेगा मुझे कृष्णा?
रात्रि तेरी अंतिम रात होगी कृष्णा। जब मैं छोटा था तभी सब छोटा छोटा खाने को मिलता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे एक बड़ी सी जलेबी चाहिए। अभी लीजिए। तुमने तो मुझे इतनी बड़ी जलेबी दे दी कि मैं इसमें उलझ गया। तुम्हारा पता तो बता दिया, कहीं तुम दाऊ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। और इस वक्त तो मुझे नेत्रासुर की चिंता कम और प्रेमा की चिंता अधिक हो रही है। बस दाऊ आपको एक कार्य करना होगा, आप जाकर उन दोनों के घर वालों के कान भर दीजिए बस। देखिए प्रभु, लड़का लड़की और लड़के के पिता तीनों आ गए हैं। अब समय आ गया है कि हम इनकी आंखें खोलें। बोलो प्रेमा, तुमने मुझे यहाँ वन में क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, अभी तो तुमने यहाँ मुझे बुलाया है। अब जल्दी से बोलो क्या कार्य है, अगर किसी ने यहाँ मुझे देख लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। यक्ष कुमार, इन दोनों को तो मैंने यहाँ बुलाया है। अच्छा प्रभु, ये लड़का भी ना फिर इस मनुष्य प्रेमा से मिलने आ गया, क्या समझाया था तुझे? पिताजी आप यहाँ? आप ठीक है? दूर रहो मुझसे, बंद करो ये तुम्हारे ढोंग, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और तुम देख रहा कितनी मनुष्य है ये लड़की, इसके आते ही मैं नीचे गिर गया। ये क्या चमक रहा है? ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। देखा पिताश्री आपने, उस बाबा की भविष्यवाणी सच निकली, याद है ना आपको तो? इसे शीघ्र ही एक भाग्यवान लड़की मिलने वाली, जिससे विवाह होते ही इसका भाग्य बदल जाएगा। उसकी पहचान ये होगी कि उससे भेंट होते ही मिट्टी से स्वर्ण मिलेगा। आप धनवान हो गए, प्रेमा ही मेरी किस्मत बदल सकती है। हाँ हो सकता है, किंतु इतनी शीघ्रता में कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं है, मुझे सोचने का समय चाहिए।
हो सकता है ये एकमात्र सहयोग भी हो। और तू चल अब यहां से। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मुरली किस पर है? लगता है मेरा कान्हा मुझे पुकार रहा है। ये तो कान्हा की मुरली के स्वर है। अरे तुम सब कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही राधा, वो कान्हा के मुरली के स्वर मुझे अपने पास बुला रहे हैं। कान्हा के मुरली के स्वर तो मुझे भी खींच रहे हैं। ये हरि के रूप कृष्णा की बांसुरी तो मुझे अपनी ओर खींच रही है, मुझे तो जाना ही होगा। आज तेरी मुरली ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी कृष्णा, मुझे पता चल चुका है। तू कहाँ है? मैं आ रहा हूँ। Thank you.
संग नाचे राधे का श्याम, गोपियों के संग नाचे राधे का श्याम, धरती गगन झूमे होके मगन, कुंजन में छाया है प्रेम का रंग, कुंजन में छाया है प्रेम का रंग, करे चंदा की करे चंदा की किरणे प्रकाश, करे चंदा की किरणे प्रकाश, मन वन में आगर जाओ महाराज, मन वन में आगर जाओ महाराज। लहरों में कैसा है शोर, ले गया मन मेरा हाय चित चोर, ले गया मन मेरा हाय चित चोर, चरणों की दासी बावरिया हुई, मैं तो बस तेरी सांवरिया हुई, मैं तो बस तेरी सांवरिया हुई, रख ले मुझको तू, रख ले मुझको तू चरणों के पास, रख ले मुझको तू चरणों के पास, मधुबन में आजन चो महाराज, मधुबन में आजन चो महाराज। आई शरद पूनम कीरा, आई शरद पूनम कीरा, मधुबन में आज रचो महाराज, मधुबन में आज रचो महाराज, मधुबन में आज रचो महाराज, मधुबन में आज रचो महाराज। अरे हम सब इतनी रात्रि में यहाँ वन में कैसे आ गए, हमें तो अपने घर पर होना चाहिए। चलो चलो सभी घर चलो। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो चलो। कहाँ चली? नित्य का आनंद अधूरा छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं? सब गोपियाँ अपने अपने घर जा रही है, हमें भी जाना है। गोपियों को घर जाने की आज्ञा है, किंतु गोपेश्वर महादेव को नहीं। स्वागत है महादेव। कहाँ जा रहे हो नेत्रासुर? आओ बालक आओ, तुम तो आ गए, तुम्हारा अनुज नहीं आया। यदि तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ मिलेगा तो मैं तुम्हारी मृत्यु कम पीड़ादायक कर दूंगा। पीड़ा तो मैं तुझे दूंगा नेत्रासुर। मुझे आपकी उपस्थिति का भान आरंभ में ही हो गया था, किंतु मुरली के स्वर पर स्वयं महादेव को नृत्य करते देख उन्हें रोकना असंभव है। असंभव तो आपको भ्रमित करना है नारायण, परंतु मेरा कोई दोष नहीं। आपके मुरली के स्वर है ही इतने मनमोहक कि मैं स्वयं को रासलीला में सम्मिलित होने से रोक नहीं पाया। कान्हा तक पहुंचने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा। बहुत हुआ बालक, अब तू नहीं बचेगा। मैं कृष्णा को भी नहीं छोड़ूंगा।